आप सभी को नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। पराठे भारत में नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला नाश्ता आलू के पराठे ही हैं। आलू में स्टार्च, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम भी करता है। तो चलिए अब बनाते हैं अपने आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में दो आलू, एक प्याज, दो हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया और नींबू का रस डाल लेंगे और साथ में ही अपने कुछ मसाले मिलाते हैं, जैसे नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और कसूरी मेथी। इन सब को अच्छे से मिलाकर हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं और साथ में ही हमने अपना आटा भी लगा के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इनके पराठे भी लगा लेते हैं। अब हम आटे का थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे और लोई बनाकर थोड़ा सा हम बेल लेंगे। अब इसके अंदर हमने आलू की पिट्ठी भरकर इसको अच्छे से चार तरफ से बंद कर लेते हैं और सूखे आटे का एक कोट लगाकर हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। और हमारा यहाँ पराठा बिल चुका है, तो चलिए इस पराठे को अब थोड़ा सेक लेते हैं। जब ये पराठा अच्छे से एक तरफ से सिक जाए तो इस पर हम घी लगा देंगे और धीमी आंच पर इसको सिकने देंगे। हमारे पराठे का कलर काफ़ी अच्छा आया है और इसी तरह से हम दोनों तरफ घी लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसको तैयार कर लेंगे। हमारा पराठा बनके बिल्कुल तैयार है और सेम इसी तरह हम सारे पराठे अपने तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनकी जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाती है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी वो जो भी स्टफिंग अपने पराठों में भर रहे हैं वो कम भरें ताकि जो उनके पराठे हैं फटे ना। अब जब धीरे धीरे उनको बनाने आ जाएंगे तो आराम से इसको बना सकते हैं, कि शुरू शुरू में दिक्कत थोड़ी बहुत आ जाती है। आप इन्हें चाय के साथ, दही, अचार, चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इन्हें बनाइए और अपनी मम्मी पापा को भी बना के खिलाइए और इंजॉय कीजिए। धन्यवाद।